हेलो फ्रेंड्स, मैं राशिद अली एक बार फिर आपका आपके अपने चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, जैसा आपको पता है कि हम ईडीडी स्टार्ट कर चुके हैं, इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन ड्राइंग एंड एस्टीमेशन। तो आपको पता है फ्रेंड्स, जो बीटी यूपी बोर्ड है उसका जो सिलेबस है, मीन्स एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो बिल्कुल डिफरेंट हो गया, बिल्कुल चेंज हो गया है। एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन आने हैं, तो हम उसी को टारगेट करते हुए चल रहे हैं। आज हमारा फोर्थ लेक्चर है फ्रेंड्स, इससे पहले हम तीन लेक्चर कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो हमारे लेक्चर नहीं देखे तो उसको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज बता दें कि हमारा जो लेक्चर नंबर फोर्थ है उसमें हम चैप्टर नंबर थ्री को पहले कवर करेंगे, उसके बाद जो हमारे फोर्थ के चैप्टर नंबर फोर्थ के कुछ एमसीक्यूज़ हैं उसको भी हम कवर कर लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो बचेंगे हमारे फोर्थ चैप्टर के एमसीक्यूज़ तो उसको हम नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे, और नेक्स्ट चैप्टर हम जल्द ही डालेंगे। और आपको पता है फ्रेंड्स, हमारा जो टारगेट है, तो हमारा टारगेट है 30 तारीख तक आपका पूरा कोर्स कम्प्लीट करा दिया जाए। चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी वाले बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे हम जितने भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप तक पहुंचता रहे। फ्रेंड्स, एक चीज़ और बता दें, हमारे इस चैनल पर इलेक्ट्रिकल के अलावा मैकेनिकल, सिविल इंजीनियरिंग के जो सब्जेक्ट हैं उनको भी कवर किया जा रहा है। एमसीक्यूज़ बेस ही हमारे क्वेश्चन हैं, तो आप अपने साथियों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस जो हमारे एमसीक्यूज़ के सेशन है उनका फ़ायदा उठा सकें। फ्रेंड्स, एक चीज़ बता दें कि अभी हम एमसीक्यूज़ करा रहे हैं, उसके बाद जब 30 तारीख तक हम इसको कवर कर लेंगे आपके पूरे सब्जेक्ट को, पूरे सिलेबस को, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम रिवीजन क्लास भी स्टार्ट कराएंगे आपकी वन लाइनर की, ठीक है। तो इस आप बने रहिएगा हमारे चैनल पर। फ्रेंड, सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटा सा एक संदेश है उसको देना चाहते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे इस जो हमारा चैनल, हमारा जो लेक्चर है ऑनलाइन लेक्चर का, अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर वन है आपका, चैप्टर नंबर थर्ड है लाइटनिंग स्कीम्स। तो हम ईडीडी सेकंड के जो चैप्टर नंबर थर्ड है उसको कवर करेंगे आज के। हमारा जो लाइटनिंग स्कीम है वो क्या है, वो क्या है, तो क्वेश्चन नंबर वन देख लीजिएगा। लाइटनिंग स्कीम्स मीन्स, कहने का तात्पर्य ये है, कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि लाइटनिंग स्कीम जो योजना है उसको वर्गीकृत किया जाता है। तो ऑप्शन ए है आपका इंटीरियर, ऑप्शन बी है आपका, ऑप्शन ए है आपका इंटीरियर लाइटनिंग स्कीम, ऑप्शन बी है आपका एक्सटीरियर लाइटनिंग स्कीम, ऑप्शन सी है आपका बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी है आपका नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जो आपकी लाइटनिंग स्कीम है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, दो पार्ट्स में उसको वर्गीकृत किया जाता है। पहला होता है इंटीरियर, दूसरा होता है एक्सटीरियर लाइटनिंग स्कीम। तो आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन सी आपका ठीक हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है लाइटनिंग स्कीम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है, इंटीरियर हो गई फ्रेंड्स और एक्सटीरियर हो गए। तो आपका जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है एक आदर्श आइडियल लाइटनिंग स्कीम्स के गुण होने चाहिए। मींस, कहने का मतलब ये है कि जो आपका आदर्श लाइटनिंग स्कीम है या फिर जो आपका एक आइडियल लाइटनिंग स्कीम है उसके गुण क्या होने चाहिए। तो क्या होने चाहिए मैं आपको बता दूं, लाइटनिंग स्कीम आइडियल का मतलब ये जिसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि ना हो, या त्रुटि हो तो बहुत माइन्यूट सी वैल्यू की त्रुटि हो, बहुत छोटी सी कमी हो, तो उसको हम आइडियल बोलेंगे। अब यहाँ पर अगर आप ऑप्शन पढ़ेंगे तो आई थिंक आप खुद भी इसको करेक्ट कर सकते थे। ऑप्शन ए क्या बोला गया, ऑप्शन ए में कहा गया फ्रेंड्स सफिशेंट लाइट दें। तो बिल्कुल सही, ऐसी स्कीम हम तैयार करेंगे कि जो सफिशेंट लाइट दे। अगर सफिशेंट लाइट नहीं देगी तो हमारा जो आइडियल का केस है वो फेल हो जाएगा। तो ठीक है, ये वाला ऑप्शन। सेकंड पर आइए, बी वाले में कहा गया फ्रेंड्स यूनिफॉर्म लाइटनिंग दे या लाइट दे। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, सफिशेंट का मतलब है पूर्ण लाइट प्रदान करना, और यूनिफॉर्म का मतलब है एक समान लाइट दे। ऐसा ना हो कि कभी ज़्यादा ग्लो करे, कभी कम ग्लो करे, कभी ज़्यादा करे, कभी कम ग्लो करे, तो ऐसा केस नहीं चलने वाला। तो यूनिफॉर्म लाइट भी देना चाहिए। उसके बाद है थर्ड वाला है आपका शैडोलेस। तो ये भी गुड़ होना चाहिए आदर्श आइडियल स्कीम, जो आपका आइडियल लाइटनिंग स्कीम है उसका, कि आपका शैडोलेस भी होना चाहिए, मतलब किसी भी प्रकार की परछाई नहीं बनना चाहिए। जैसे मनुष्य है, मैन है, तो अगर लाइट ग्लो कर रही है तो अगर मान लीजिए अगर शेडो बनेगी, परछाई बनेगी, तो इतना एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाएगा बंदा या जो वर्कर है, तो वहाँ कुछ ना कुछ दिक्कतें आएंगी। तो उस चीज़ को रिमूव आउट करने के लिए जो हमारी लाइटनिंग है कुछ इस तरह की डिज़ाइन होना चाहिए कि जो हमारा शेडोज है वो कम हो जाए या फिर शेडो लेस हो जाए। तो आपका ये भी ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा ठीक, ऑल ऑफ द एबव, मतलब सभी सही हैं फ्रेंड्स। क्योंकि आपका आदर्श में सफिशेंट लाइट भी दे, यूनिफॉर्म लाइट भी देना चाहिए, शेडो लेस भी होना चाहिए, तो हो गया आपका डी वाला ऑप्शन, ऑल ऑफ द एबव।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लीजिएगा, थर्ड में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा गया है लाइटनिंग स्कीम का क्या अर्थ है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर डेफिनेशन पूछा जा रहा है। तो आपको पता है फ्रेंड्स, जो आपका एमसीक्यूज है तो उसमें डेफिनेशन भी पूछ सकता है, किसी भी थ्योरी के बारे में भी पूछ सकता है, कोई न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है, छोटा सा कोई फार्मूला बेस्ड भी सवाल आ सकता है, या फिर फार्मूला ही आ जाएगा, है ना। तो ये इसी तरह से आपकी ये डेफिनेशन एक प्रकार की, जो आपकी लाइटनिंग है उसकी क्या डेफिनेशन। तो यहाँ पर देखिएगा लाइटनिंग स्कीम का क्या अर्थ है, तो अर्थ बताना है आपका लाइटनिंग स्कीम का। तो ए वाला ऑप्शन देखिएगा पहले, ए वाला है प्रकाश की आवश्यक सप्लाई की व्यवस्था, तो इस पर अभी विचार करेंगे फ्रेंड्स फिलहाल। तो बी वाला देखिएगा प्रकाश को रोकने की व्यवस्था, गलत, प्रकाश को तो रोकेगा ही नहीं, क्योंकि जब हम लाइटनिंग स्कीम बना रहे हैं तो प्रकाश को तो नहीं रोक सकते। नेक्स्ट है आपका बल्बों को बदलने की व्यवस्था, ये भी गलत हो गया, इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत हो गया। तो आपका जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट कैसे हो जाएगा, क्योंकि आपकी जो प्रकाश की आवश्यकता, आवश्यक सप्लाई है उसकी व्यवस्था, उसकी व्यवस्था करना, मतलब प्रकाश की रिक्वायर्ड वैल्यू की जो आपकी लाइट है उसकी रिक्वायर अमाउंट है आपको, तो वो प्रदान करना, या फिर उसकी व्यवस्था, जो व्यवस्था को पूरा करना, या उसकी जो डिज़ायर है उसको फुलफिल करने को ही हम बोलते हैं क्या, लाइटनिंग स्कीम्स। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर फोर क्या बोल रहा है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में कहा गया है आदर्श प्रदीपन के लाभ होते हैं। कहने का मतलब ये है लाइट जो आइडियल स्कीम है आपकी, लाइटनिंग स्कीम है, उसके क्या लाभ होते हैं। तो पहला लाभ क्या होगा, आई फेटिक, मतलब नेत्र का थकान। बिल्कुल सही है, मतलब कहने का मतलब ये भी तो लाभ है कि नेत्र नहीं थकेंगे अगर आइडियल हमारी लाइटिंग स्कीम होगी। तो नेक्स्ट है आपका कर्मचारियों की क्षमता, मींस वर्किंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, काम करने की जो क्षमता होगी वो बढ़ जाएगी। बी क्या है आपका, जो आपकी प्रोडक्टिविटी है या जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो तीनों आपके ठीक हैं फ्रेंड्स। तो अगर हम बात करें यहाँ पर क्या कहा गया, लाभ की बात कह रहा है, तो रॉ मटेरियल की बर्बादी की कमी, तो आई थिंक यहाँ पर कोई एक ऑप्शन गलत नहीं दे रखा है, ये सारे के सारे ठीक हैं। ऑप्शन बी आपको बना लीजिएगा फ्रेंड्स, ये सारे के सारे करेक्ट हैं फ्रेंड्स आपके, कि जो आपका आइडियल प्रदीपन है उसके लाभ ये सारे के सारे होते हैं। आई फैटिक, आँख का थकान ना होना। बी है आपका कर्मचारियों की क्षमता, मतलब वर्किंग कैपेसिटी बढ़ जाना। आपका नेक्स्ट है सी वाला आपका है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाना। सी है आपका रॉ मटेरियल की बर्बादी कम होना, ठीक है होती। तो ये सारे के सारे इसके आपके आदर्श प्रदीपन या फिर जो आदर्श लाइटिंग स्कीम है या फिर आइडियल लाइटिंग स्कीम कह लो, तो उसके ये सारे के सारे लाभ हैं, जबकि गलत वाला ऑप्शन नहीं दे रखा है। याद रखना फ्रेंड्स, ये सारे के सारे इसके आंसर करेक्ट हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में कहा गया है प्रकाश वितरण डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मतलब प्रकाश वितरण लाइटनिंग डिस्ट्रीब्यूशन की निम्न विधियां हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो आपका प्रकाश वितरण है उसकी कौन कौन सी विधियां होंगी। तो ऑप्शन ए है आपका एब्जॉर्प्शन मेथड, मींस अवशोषण विधि, अरे शोर हो रहा है ना, रिफ्रैक्शन मींस अपवर्तन विधि। सी की बात करें तो सी है आपका परावर्तन विधि। परावर्तन क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। थर्ड बोल रहा है सभी, ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि विधियां हैं या लाइट वितरण, प्रकाश वितरण की जो विधियां हैं वो कौन कौन सी होती हैं। आपका एब्जॉर्प्शन भी होता है, क्योंकि आपको पता है बहुत सारे ऐसे अर्थ पर बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं या फिर बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जो क्या करती हैं, प्रकाश को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, अवशोषित कर लेती हैं। तो पहला वाला ऑप्शन ठीक हो गया। दूसरा वाला क्या है आपका, रिफ्रैक्शन, तो रिफ्रैक्शन भी होता है आपका प्रकाश का, और परावर्तन भी होता है या फिर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों ही प्रकाश का होता है, आपको पता है। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन है वो डी करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। क्या फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर सिक्स में बोला है निम्न में से इंडस्ट्रियल लाइटनिंग स्कीम का प्रकार नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, इंडस्ट्रियल लाइटनिंग स्कीम का प्रकार नहीं पूछा गया है क्वेश्चन नंबर सिक्स में। तो अब हम इसके ऑप्शन देखते हैं फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए कहा गया है आपका डोमेस्टिक घरेलू, ऑप्शन नंबर बी कहा गया है शॉप वर्कशॉप्स, नेक्स्ट है आपका मिल्स, डी है आपका फैक्ट्रीज। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, जो आपकी डोमेस्टिक होती है वो इंडस्ट्रियल लाइटनिंग स्कीम का भाग नहीं होती है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाइए क्वेश्चन नंबर सेवन पर। क्वेश्चन नंबर सेवन में क्या कहा गया है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर सेवन में कह रहा है एल्यूमिनेशन की इकाई मीन्स यूनिट होती है। तो एल्यूमिनेशन की इकाई क्या होती है फ्रेंड्स, एल्यूमिनेशन की जो इकाई है वो आपकी होती है लक्स। ठीक है, तो आई थिंक आपको
कैंडला की बात करें तो कैंडला क्या होती है, ज्योति तीव्रता की जो इकाई है, ये यूनिट है वो आपकी कैंडला होती है। अगर वेवर की बात करें तो फ्लक्स की आपकी जो इकाई है वो क्या होता है, वेवर होता है फ्रेंड्स। तो इन सबको लिख लीजिएगा, हो सकता है आपका ये भी पूछा जा सके कि जो कैंडला है वो किसकी इकाई है या फिर किसकी यूनिट है। तो आपको पता है ज्योति तीव्रता की जो इकाई होती है वो आपकी कैंडला होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये आपके जो 7 क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 से थे फ्रेंड्स। अब हम चैप्टर नंबर 4 पर आ रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 क्या है आपका फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अगर मैं बता दूं आपको कि जो आपका चैप्टर नंबर 4 है वो क्या है, तो वो है आपका एस्टिमेशन ऑफ वायरिंग, तो वायरिंग एंड इंस्टॉलेशन। तो वायरिंग का अब हम यहाँ पर देखेंगे, देन आफ्टर जितने भी बचेंगे उसको नेक्स्ट हम लेक्चर में कवर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहा गया, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है फ्रेंड्स, ग्राउंड वायर बनाए जाते हैं, तो जो ग्राउंड वायर्स होते हैं उनको किसके द्वारा बनाया जाता है, ये पूछने का प्रयास किया गया है। तो पहला ऑप्शन क्या है, स्टील के, बी है आपका आयरन के, डी है आपका एल्युमिनियम के। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, आयरन के भी नहीं होते हैं, पीवीसी के भी नहीं होते हैं, एल्युमिनियम के भी नहीं बनाए जाते हैं, हमारे स्टील के जो ग्राउंड वायर्स होते हैं उसको बनाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट पर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है फ्रेंड्स कि ग्राउंड वायर, जो आपके ग्राउंड वायर्स होते हैं उसकी बात कही गई कि ग्राउंड वायर को कितनी गहराई तक गहराई में रखा जाता है, मतलब कितनी गहराई में रखा जाता है फ्रेंड्स, उसको हटा लीजिएगा, कितनी गहराई में उसको दबाया जाता है, गाड़ा जाता है, अंदर उसको रखा जाता है, जमीन के अंदर, अर्थ के अंदर, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, जो आपका अर्थ वायर होता है उसको 1 से 1.5 मीटर की गहराई के अंदर उसको दबाया जाता है। तो ऑप्शन ए वाला गलत हो गया, बी वाला, सी वाला भी गलत हो गया और डी वाला भी गलत हो गया। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो गया, 1 से 1.5 मीटर गहराई तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर आपका 10 बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है, जब स्विच ऑफ होती है तो उस समय सर्किट का प्रतिरोध होता है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, जब स्विच ऑफ होती है तो मैं एक बार आपको इसका पहले फिगर बना के बता दूं कि स्विच ऑफ होती है तो जो आपका प्रतिरोध है वो कितना हो जाता है। तो मैं अगर यहाँ पर एक स्विच बनाऊं फ्रेंड्स, ये मान लीजिए आपका स्विच है, ये कनेक्टेड है स्विच। अब मान लीजिए ये स्विच ऑन हो रहा, ऑफ हो रहा है, ठीक है, स्विच ऑफ किया गया मतलब बंद किया गया इसको। तो जब स्विच बंद होगा तो यहाँ ये हट जाएगा फ्रेंड्स, और ये कैसा दिखाई देगा फिर, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ ओपन सर्किट हो जाएगा, और ओपन सर्किट की जो कंडीशन होती है वहाँ पर क्या होता है फ्रेंड्स, आपका जो ओपन सर्किट में जो आपका रेजिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है फ्रेंड्स, उसकी वैल्यू हो जाती है अनंत, इनफाइनाइट फ्रेंड्स। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। इसी से रिलेटेड मैं एक कॉन्सेप्ट और बता दूँ आपको, होते हैं तो वो अभी हम आगे देखेंगे, स्विच कितने प्रकार के होते हैं। तो यहीं पर ये भी पूछ सकता है कि NO को क्या बोला जाता है और NC को क्या बोला जाता है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, NO का मतलब होता है नॉर्मली ओपन, नॉर्मली ओपन, NC का मतलब होता है नॉर्मली क्लोज। तो फ्रेंड्स अगर मैं इन दोनों के आपको फिगर बना के बताऊं, तो फिगर ऐसे बनता है, अगर मैं NO स्विच की बात करूं और NC स्विच की बात करूं, तो आई थिंक ये मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में कवर किया है, डिटेल में इसको चर्चा की है। तो अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा तो उसको भी देख लीजिएगा, और यहाँ भी मैं बता दे रहा हूँ। अगर मैं नॉर्मली ओपन की बात करूँ तो नॉर्मली ओपन जो आपका स्विच होता है वो कुछ इस तरह से होगा फ्रेंड्स, कि यहाँ पर आपका स्विच लगा हुआ है, कनेक्टेड है, और यहाँ पर आपका होगा ये, एक सेकेंड मैं इसको थोड़ा छोटा करके बनाता हूँ फ्रेंड्स, बहुत बड़ा बन गया। अगर मैं बात करूँ नॉर्मली ओपन की, तो नॉर्मली ओपन में क्या होगा फ्रेंड्स, ये आपके दो कॉन्टैक्ट हैं, और नॉर्मली ओपन आपका स्विच इस तरह से होता है। अब इससे हम जब यहाँ पर यहाँ से हम प्रेस करेंगे फ्रेंड्स, तो ये हम नॉर्मली मतलब ओपन रहता है, जब हम इसको प्रेस करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। तो नॉर्मली ओपन का जो हमारा सिंबल है वो कुछ इस तरह से है ये। अगर हम नॉर्मली क्लोज की बात करें तो नॉर्मली क्लोज हमारा जो स्विच है वो इस तरह से होता है, और ये स्विच हमारा कनेक्टेड होता है, यहाँ पर ये वाला स्विच हमारा कनेक्टेड होता है। हम जब यहाँ पर इसको प्रेस करते हैं तो क्या होता है ये, तब ये ओपन हो जाता है। तो अब ये भी पूछ सकता है फ्रेंड्स कि नॉर्मली ओपन और नॉर्मली स्विच क्लोज स्विच का काम क्या है। तो अगर हमको किसी भी चीज़ को स्टार्ट करना होगा तो नॉर्मली ओपन वाला स्विच यूज़ करेंगे, और किसी को ऑफ करना होगा, बंद करना होगा, तो नॉर्मली क्लोज वाले स्विच का यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स ये भी बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत निकल कर आते हैं आपका। 11 क्वेश्चन में बोला गया स्विच को प्रायः ऑपरेट करते हैं। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, जो आपका स्विच होता है
उसको हमेशा मैनुअली ही ऑपरेट करते हैं। आपने देखा होगा आपके घरों पर जो बोर्ड लगे होते हैं, मेन बोर्ड लगे होते हैं या फिर जो आपके सॉकेट्स लगे होते हैं, तो वहाँ पर जो स्विचेस यूज़ होते हैं वो सारे के सारे मैनुअली ही ऑपरेटेड होते हैं। जबकि अगर हम ऑटोमेटिक की बात करें तो जो ऑटोमेटिक ऑपरेटेड होते हैं तो वो होते हैं हमारे MCB हो गया, MCC हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे ऑटो ऑपरेटेड होते हैं। जबकि अगर हम बात करें स्विचेस की, साधारण स्विच की, तो साधारण स्विच हमारे मैनुअली ही ऑपरेट किए जाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया फ्यूज़ को जोड़ा जाता है। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड, जो आपका फ्यूज़ है उसको सीरीज में जोड़ते हैं, और सीरीज में जोड़ने का काम क्या है, तो मैं आपको बता दूं सीरीज में जोड़ने का काम क्या है। तो पहले तो मैं आपको एक परिपथ बना रहा हूं, नेटवर्क बना रहा हूं। मान लीजिए फ्रेंड्स, ये है आपका सिस्टम, ये आपका कोई सिस्टम लगा हुआ है। मान लीजिए यहाँ पर हमारी मोटर कनेक्टेड है, कोई भी सिस्टम मान लीजिए, और यहाँ पर आपने क्या किया, इसको सप्लाई दिया है, और ये आपका फ्यूज़ यहाँ पर कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ से जब हम सप्लाई देंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये फ्यूज़ हमने यहाँ पर कनेक्ट किया है, सीरीज में हमने कनेक्ट किया। अब मैं आपको बता दूं कि सीरीज में कनेक्ट करने का क्या तात्पर्य होता है, क्या पर्पस होता है। पर्पस ये होता है फ्रेंड्स कि आपको पता है सीरीज सर्किट में क्या होता है, जो आपकी करंट की वैल्यू है वो सेम रहती है। जबकि अगर हम बात करें पैरेलल नेटवर्क की, तो पैरेलल नेटवर्क में आपका जो करंट है उसकी वैल्यू डिफरेंट हो जाती है, बट जाता है करंट। तो यहाँ पर यही रीज़न है इसको सीरीज में कनेक्ट करने का, कि मान लीजिए यहाँ पर किसी प्रकार का फॉल्ट उत्पन्न होता है फ्रेंड्स, तो जब फॉल्ट उत्पन्न होगा तो यहाँ पर हाई अमाउंट में करंट फ्लो होना शुरू होगा। जब हाई अमाउंट में करंट फ्लो करना शुरू होगा, तो जो मोटर है वो क्या करेगा, सोर्स से सक करेगा। तो सोर्स यहाँ पर है हमारा लगा हुआ, तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है, यहाँ हमारा सोर्स लगा हुआ है, तो ये करंट को कहाँ से सक करेगा, करंट यहाँ से सक होगा। और टोटली करंट किससे पास होगा, हमारे फ्यूज़ से पास होगा। जब फ्यूज़ से हमारे टोटली करंट पास होगा, तो फ्यूज़ का जो एलिमेंट है, फ्यूज़ एलिमेंट है वो क्या होगा, हीट होकर हाई हीट यहाँ पर जनरेट होना शुरू हो जाएगी। जब ज़्यादा करंट फ्लो होगा, तो ऊष्मा के नियम अनुसार अगर हम बात करें, हीट जूल्स लॉ की बात करें, H बराबर I2RT के अनुसार अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जितनी ज़्यादा करंट जनरेट हो आप फ्लो कराओगे, उतनी ही हीट जनरेट होगी। अब जब करंट बहुत ज़्यादा फ्लो हो रही है, तो क्या होगा फ्रेंड्स, हीट की अमाउंट बढ़ जाएगा, और हीट जब बढ़ जाएगी तो आपका जो फ्यूज़ है वो मेल्ट हो जाएगा और सर्किट को ओपन करा देगा। तो इसी प्रकार हम क्या करते हैं, जो हमारा फ्यूज़ है उसको हम क्या करते हैं, उस फ्यूज़ को हम बी सीरीज में उसको कनेक्ट करते हैं। तो ऑप्शन आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो जो फ्यूज़ है उसको हम क्या करते हैं, सीरीज में उसको कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर आपका 13 बोला गया है डबल वे स्विच प्रयोग की जाती है। तो डबल वे स्विच का अगर मैं पर्पस बताऊं, तो डबल वे जो स्विच है वो आपकी सीढ़ियों पर यूज़ करी जाती है। सीढ़ियों पर आपने देखा होगा कि जो डबल वे स्विच है, तो बंदा क्या करता है, जो मैन यहाँ से चढ़ रहा है कोई बंदा, तो वो क्या करता है, एक स्विच यहाँ पर कनेक्टेड यहाँ प्लेस होता है, तो यहाँ पर वो क्या करता है, उस जो आपकी आपका स्विच को ऑन करता है, तो लाइट ग्लो करना शुरू कर देती है। फिर जब वो ऊपर चला जाता है फ्रेंड्स, तो क्या करता है, उसको यहाँ पर उसको ऑफ भी करना होगा। तो वो जब यहाँ पर जाता है, तो वो क्या करता है, उसको ऑफ कर देता है। मींस एक स्विच से उसको ऑन किया जाता है, दूसरे स्विच से उसको ऑफ किया जाता है। तो इस स्विच का हमारा काम, इस टाइप के जो स्विचेस हैं उसको हम बोलते हैं डबल वे स्विच। तो डबल वे स्विच कहाँ पर यूज़ किया जाता है फ्रेंड्स, तो डबल वे स्विच हमारा यूज़ होता है सीढ़ियों पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया क्वेश्चन नंबर 14, स्विच कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स, स्विच दो प्रकार के होते हैं, सिंगल वे और डबल वे, ठीक है। तो सिंगल वे और डबल वे कितने प्रकार के हो गए आपके, स्विच हो गए आपके दो प्रकार के। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर आपका 15 कह रहा है फ्रेंड्स, 15 में कहा गया है फ्यूज़ वायर की रेटिंग हमेशा दर्शाई जाती है। तो फ्रेंड्स, अभी आपने अगर इससे पहले वाला कॉन्सेप्ट समझा होगा, तो इसको बहुत आसानी से आप आंसर दे सकते हैं, कि अभी जो फ्यूज़ था, तो फ्यूज़ को हमने सीरीज में लगाया था, और सीरीज में लगाने का क्या उद्देश्य था, सीरीज में लगाने का उसका जो उद्देश्य था वो ये था कि अगर सिस्टम में किसी भी प्रकार का यहाँ पर फॉल्ट उत्पन्न हो रहा है फ्रेंड्स, तो टोटली करंट क्या होगी, यहाँ से पास होगी, क्योंकि आपको पता है करंट की वैल्यू यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाएगी। जब करंट का अमाउंट यहाँ बढ़ जाएगा, तो टोटली करंट यहाँ से पास होगी। जब टोटली करंट यहाँ से पास होगी, तो ये मेल्ट हो जाएगा। तो किस पर डिपेंड कर रहा है, करंट पर डिपेंड कर रहा है। तो जो आपकी रेटिंग है, तो रेटिंग किसके अनुसार आप उसको डिफाइन करोगे, या किसके अनुसार आप उसको प्रदर्शित करोगे, तो आप रेटिंग जो है आपकी फ्यूज़ की, तो फ्यूज़ को आप एम्पियर्स की रेटिंग के द्वारा उसको दर्शाएंगे। फ्रेंड्स, आपने खुद ही देखा होगा 5 एम्पियर, 2 एम्पियर, 1 एम्पियर, 0.5 एम्पियर के जो फ्यूज़ हैं वो मार्केट में अवेलेबल होते हैं। तो ऑप्शन आपका बी वाला करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 16 में कह रहा है फ्रेंड्स,
गया है फ्रेंड्स, एक बार देख लीजिएगा। प्लेट वायरिंग में प्रयोग होने वाले पदार्थ हैं, तो प्लेट वायरिंग में कौन कौन सा यूज़ होता है फ्रेंड्स, पहले मैं आपको ऑप्शन बता दूं, उसके बाद हम प्लेट वायरिंग की बात करेंगे, प्लेट अर्थिंग की बात करेंगे। तो प्लेट अर्थिंग में क्या क्या यूज़ होता है, प्लेट अर्थिंग में हो रहा है आपका बोल कोल, नेक्स्ट बी वाला है आपका सॉल्ट अर्थिंग। तो अगर मैं आपको बता दूं, जो सॉल्ट अर्थ है, अर्थ सॉल्ट 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 है जो आपका नमक है, नमक भी यूज़ होता है NaCl, और आपका अर्थिंग प्लेट भी यूज़ हो रही है, साथ के साथ आपका वूल कोल भी यूज़ होता है। क्यों यूज़ होता है, जो सॉल्ट है और जो वूल कोल का यूज़ करने का पर्पज़ ये है कि वहाँ पर हमको मॉइस्चर लॉन्ग समय तक वहाँ पर रखना होता है, तो लॉन्ग टाइम तक अगर हमको वहाँ मॉइस्चर रखना है या बनाए रखना है तो वहाँ पर हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, जो हमारा सॉल्ट है उसको वहाँ पर लगाएंगे और वूल कोल को भी डाल देंगे, जिससे क्या रहे कि वहाँ नमी मौजूद रहे, नमी मौजूद रहेगी तो जो आपका रेजिस्टेंस है वो बहुत कम हो जाएगा, और जब कम रेजिस्टेंस हो जाएगा तो आसानी से आपकी जो करंट है वो पास होती रहेगी, या फिर जितनी भी लीकेज करंट सिस्टम में उत्पन्न हुई है या फिर सर्कुलेट हो रही है वो सारी की सारी ग्राउंड हो जाएगी। तो आपकी जो प्लेट अर्थिंग है उसमें ए एंड बी दोनों ही यूज़ हो रहे हैं, तो ऑप्शन आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा है, किसी भवन की नींव से भूमिगत केबल की कम से कम दूरी होनी चाहिए। तो एक बार मैं फिर बता दूं, ये बोलना चाह रहा है कि जो आपका भवन है, जो आपने मकान बनाया है, उसकी नींव से भूमिगत केबल, मतलब जो अंडरग्राउंड केबल डाली जा रही है, तो उसकी बात कर रहा है कि उसकी दूरी कम से कम कितनी होनी चाहिए, डिस्टेंस कितनी दूरी पर जो आपकी अंडरग्राउंड केबल है उसको लगाना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, जो अंडरग्राउंड केबल है तो उसको 10 सेंटीमीटर की दूरी पर हमको लगाना अनिवार्य है। 10 सेंटीमीटर की दूरी पर नहीं लगाएंगे तो वहाँ से जो करंट लीकेज, इन केस करंट लीकेज हो जाए किसी भी प्रकार, तो आपका जो आपके जो सिस्टम वगैरह लगा हुआ है घर पर, तो वहाँ पर हो सकता है कि आपका अर्थिंग आना शुरू हो जाए। तो उस चीज़ को रिमूव आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, अपना जो भूमिगत केबल है मतलब अंडरग्राउंड केबल है, तो वो घर की नींव से लगभग 10 सेंटीमीटर की दूरी पर हम क्या करते हैं, उसको प्लेस करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर आपका 18 कहा गया है, घर की वायरिंग में काला तथा हरा तार इंगित करता है, मतलब जो आपका ब्लैक वायर होता है और जो ग्रीन वायर है, तो उसको बोला जा रहा है कि इसको, ये किसको इंगित करेगा, किसको इंगित कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं, जो आपका ब्लैक वायर होता है और जो ग्रीन वायर होता है वो किसको उसको इंगित करता है। तो ब्लैक का मतलब तो होता है न्यूट्रल फ्रेंड्स, ये न्यूट्रल होता है, और जो आपका हरा होता है या ग्रीन होता है, तो ग्रीन होता है हमारा अर्थ वायर, आपने देखा होगा ग्रीन वाला हमारा होता है अर्थ वायर, और जो ब्लैक है वो हमारा न्यूट्रल वायर होता है। तो अब यहाँ पर देखिएगा कि कौन सा वाला आपका ऑप्शन करेक्ट है। तो आई थिंक आपका जो ऑप्शन है, एक सेकेंड फ्रेंड्स इसको हटा दें, हाँ अब बताइएगा। तो ऑप्शन आपका देख लीजिएगा, आपका जो काला वाला वायर है वो न्यूट्रल हो गया, आपका जो हरा वाला वायर है वो आपका अर्थ हो गया, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आपका जो हरा काला वाला है वो न्यूट्रल को दर्शाएगा, और जो हरा वाला वायर से आपका वायर है वो अर्थ को, अर्थ वायर को दर्शाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहा है, कितनी विद्युत शॉक करंट पर मनुष्य ह्यूमन को खतरा होता है। तो मैं आपको बता दूं, जो आपकी बिजली है, मतलब इसमें सिंपल पूछा जा रहा है कि जो बिजली है उसके झटके लगने से मनुष्य को कितनी, जो अब उसकी सप्लाई की फ्रिक्वेंसी, उस फ्रिक्वेंसी पर उसको कितना, कौन सी फ्रिक्वेंसी पर उसको खतरा है। तो अगर मैं ए वाले की बात करूँ तो ए वाला थोड़ा कम है, ये भी काफ़ी कम है, ये भी थोड़ा कम है, लेकिन अगर मैं ऑप्शन बी वाले की बात करूं तो ऑप्शन बी पर मनुष्य को सबसे ज़्यादा खतरा होगा। अगर 50 हर्ट्ज़ की सप्लाई की फ्रिक्वेंसी है और वहाँ पर अगर हमको शॉक लगता है, किसी भी मनुष्य को शॉक लग जाता है, तो हो सकता है उसकी डेथ भी हो जाए या फिर बहुत ज़्यादा इंजरी हो जाए। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, जो आपकी 50 हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी है उसकी सप्लाई पर मनुष्य को जो बिजली के शॉक हैं उसके लगने के खतरे ज़्यादा है, और हो सकता है उसकी डेथ भी हो जाए उस चीज़ से। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है 20 वाला भी। 20 में कहा गया है फ्रेंड्स, भू विभव माना जाता है। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि अगर हम विभव की बात करें, भू विभव की बात करें, तो मैं पहले आपको बता रहा हूं कि जो अर्थ है उसके वोल्टेज की बात कही गई है। तो मैं अगर अर्थ के रेजिस्टेंस की बात करूं तो अर्थ का जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है, बहुत माइन्यूट सा होता है। अब जब बहुत ज़्यादा अर्थ का रेजिस्टेंस है वो होगा तो वहाँ पर अधिक करंट फ्लो होना शुरू होगी। तो अर्थ की जो नेचर है वो ऐसा है फ्रेंड्स कि वो इनफाइनाइट करंट को क्या करेगी, या चार्ज को एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखती है।
तो अब जब करंट हाई अमाउंट में वो एब्जॉर्ब कर सकती है तो जो विभव होगा तो उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, अप्रॉक्स ज़ीरो। तो आपका ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा कि जो आपका अर्थ विभव है तो उसकी जो वोल्टेज है वो होगी आपकी ज़ीरो। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स कैसा लगा ये सेशन कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे फ्रेंड्स, कल हम नेक्स्ट टॉपिक बचे हैं या फिर नेक्स्ट MCQs बचे हैं उसको हम कल लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।